नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। सेवड़ा उत्कृष्ट विद्यालय में 1 दिसंबर से 30 दिसंबर तक बच्चों को खेलकूद के बारे में बताया गया और साइकिलिंग, वॉलीबॉल, मैराथन, बैडमिंटन, योग आदि खेलों के साथ विद्यालय के बच्चों ने प्रतिदिन आधे घंटे का समय देकर फिटनेस फिजिकल मजबूत किया। पीटीआई केडी साहू के द्वारा गाइडलाइन दी गई। आपको बता दें, साइकिलिंग, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, मैराथन आदि खेलों के द्वारा बच्चों ने अपने अपने फिटनेस को मजबूत बनाया। शासकीय उच्चतर महाविद्यालय सेवड़ा में फिट इंडिया के माध्यम से 1 दिसंबर 31 दिसंबर तक कैंपेन चला। 31 दिसंबर को क्रिकेट भी खिलाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में नगर परिषद अध्यक्ष श्रीनापति धीरज मेहते रहे और स्कूल के शिक्षकों द्वारा फिट इंडिया कैंपेन कार्यक्रम सफल हुआ। सेवड़ा से संवाददाता रामबाबू जाटव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान टुडे। आइए हम सर से बात करते हैं खेल के बारे में। सर, 1 दिसंबर से आपने फिट इंडिया के बारे में बताया, तो क्या है ये फिट इंडिया के कार्यक्रम में? ये दिल्ली का भारत आदेशों में, राज्य सरकार के आदेशों में जो पारित हुए हैं, उनके कार्यक्रम में आधा घंटा रोज फिटनेस का डोज, आधा घंटा रोज के कार्यक्रम के तहत पहले हमने माह में बच्चों को दौड़ के बारे में, साइकिलिंग के बारे में और योगा के बारे में हम जो हमारे सहयोगियों ने काफ़ी बच्चों को समझाया और बच्चों ने उसका भरपूर लाभ लिया। आज 31 दिसंबर को उनकी ऊर्जा को देखते हुए, बच्चों की मांग पर 31 दिसंबर को हमने क्रिकेट मैच का स्कूल विद्यालय में आयोजन किया और यह कार्यक्रम उत्कृष्ट विद्यालय एवं युवा और कल्याण केंद्र दतिया के तत्वाधान में संचालित हो रहा है और बच्चों ने काफ़ी इसमें भाग लिया, काफ़ी उत्साह देखने को मिला और ये कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छा रहा और हम ये चाहते हैं कि इसको जीवन में बच्चे ग्रहण करें, इसको पूरी तरीके से आत्मसात करें, COVID-19 से पूरी तरीके से और पूरी गाइडलाइन का पालन करते हुए बच्चों के सारे कार्यक्रमों के बारे में बताएं। सब नाम बताइए। सब नाम मेरा विद्यालय, हमारे सहयोग में इसमें सोनम राजपूत जो हमारी ब्लॉक समन्वयक हैं और हमारे साथ थे अजय चौरसिया जो पीटीआई मंगरौल और ये हमारे सहयोगी साथी सुरेंद्र शर्मा, एमपी गुप्ता, जयप्रकाश जी शर्मा, विक्की गुप्ता, अशोक कुमार पांडे आदि लोगों का अच्छी तरह में हमारे साथ सहयोग रहा और बढ़िया हमारा ये कार्यक्रम सफलता की अग्रसर है और हमारा ये प्रयास है कि ये कार्यक्रम चलता रहे। फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज ये बच्चे करें। ये फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज जो चल रहा है आपका, 1 दिसंबर से चालू किया था आपने, आज दिन तक कितने जगह आपने प्रोग्राम ये बच्चे को दिया? ये प्रोग्राम हमने थाने पर शेवड़ा परिसर में, वहाँ भी हमने इसको दिया, अपने विद्यालय में दिया और हमारा ये भटपड़ा रोड है वहाँ पर हमने रनिंग का कार्यक्रम आयोजित किया था जिसमें काफ़ी बच्चों ने भाग लिया। इसी तरीके साइकिलिंग का भी प्रोग्राम हमने शेवड़ा दतिया रोड पर इसको आयोजित किया था, उसमें भी काफ़ी लोगों ने भाग लिया। खासतौर से हमारे जो शिशिर दास PI शेवड़ा हैं, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा, उन्होंने बच्चों को काफ़ी उत्साहवर्धन अपने गुण बताए किस तरीके से आधा घंटा रोज फिटनेस के डोज के बारे में, उन लोगों ने बहुत लाभ लिया और बच्चे निरंतर इसमें जुड़े हुए। अभी चूंकि कोरोना की वजह से इस वर्ष ये गतिविधियां बंद रहीं, वैसे इसमें 10 अंक बोनस के मिलते हैं जो हमारे स्टेट और नेशनल तक खेलने जाते हैं। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।